الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتبلون في أموالكم وأنفسكم وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ قابل قدر علماء ذوی الاحترام حاضرین و حاضرات سنی اجتماع السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیت و تسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ناسک کی سرزمین پر وادی صادق میں آنے والے جملہ غلامان رسول کی حاضری کو اللہ رب العزت جل جلالہ قبول فرمائے اور ہم سب کی اس حاضری کو مدینے کی حاضری کا سبب بنائے آپ جانتے ہیں کہ آج کی گفتگو کا میرا موضوع آج کے حالات کا قرآنی حل جن حالات سے اس وقت عالمی سطح پر پوری دنیا کے مسلمان گزر رہے ہیں اس سے کوئی بھی دانشور پڑھا لکھا سلجھا ہوا ذی شعور ناواقف نہیں روز کی نئی خبریں دیکھ کر سن کر پڑھ کر امت مسلمہ کا دل بیٹھتا چلا جاتا ہے اور مستقبل کے خطرات کے سلسلے میں مسلمان سوچنے کے لیے مجبور ہوتا دکھائی دیتا ہے مسلمان چاہتا ہے کہ اسے کوئی لائحہ عمل دیا جائے
मुसलमान चाहता है कि बाइज्जत व बावकार जीने के सिलसिले में कोई दस्तूर उसे पेश किया जाए। लेकिन दस्तूर की तलाश में और तरीके जिस्त की तलाश में बहुत कम ऐसे मुसलमान मिलेंगे जो कुरान की तरफ रुजू करते हों। कुरान मुकद्दस अल्लाह की वो अजीम तरीन किताब है जिस किताब ने सिर्फ जमीन के ऊपर के मसलों का हल नहीं बताया बल्कि जमीन के अंदर और मैदान मैशर के भी मसलों का हल इस किताब ने हमें अता फरमाया है। जो कुछ भी आज पूरी दुनिया में हो रहा है ऐसी सिचुएशन में कुरान हमारी क्या रहनुमाई करता है। कुरान की तरफ रुजू करके देखो, कुरान की आयात को पढ़ करके देखो, कंजुल ईमान पढ़ कर देखो, तफासीर पढ़ करके देखो तो आपको हर मसले का हल अल्लाह की किताब के अंदर जरूर मयसर होगा और नजर आएगा। जो कुछ भी आज दुनिया में हो रहा है ये पहली बार का मामला नहीं है, इससे भी सख्तरीन हालात से दुनिया के मुसलमान गुजरे हैं और खुद रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसी अजीम जात जो सैयदुल मासूमीन हैं, जो महबूब रब्बुल आलमीन हैं, वो भी इब्तिला और आजमाइश के दौर से गुजरे और सख्त तरीन आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इम्तिहान की वादियों से गुजरना पड़ा। अगर कोई पंच वक्ता नमाजी ये तस्वुर करे या रोजा रखने वाला या हज करने वाला ये तस्वुर करे कि मुझ पर ये मुसीबत क्यों, तो मैं आपसे अर्ज करूंगा आप कितने ही बड़े आबिद जाहिद हो जाएं सहाबा के मर्तबे को नहीं पहुंच सकते। जब सहाबा इम्तिहान से गुजारे गए तो हम और आप क्या हैं। इम्तिहान के मामलात जुदा होते हैं, कभी इम्तिहान बहुत सख्त होता है और कभी इम्तिहान मामूली हुआ करता है। जैसा तालिबे इल्म वैसा इम्तिहान, चूंकि सहाबा का मर्तबा बहुत बड़ा था तो उनका इम्तिहान भी बहुत बड़ा हुआ और हमारा जो इम्तिहान होता है वो हमारी ताकत और बेसात के मुताबिक अल्लाह हमारा इम्तिहान लेता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बहुत सारी बातें अखबार के अंदर पढ़कर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए लेक्चर सुनकर अजियतें पहुंचती हैं, दिल पे तकलीफ, दिल में तकलीफ होती है। तो ये मामला आज का नहीं है, ये मामला बहुत पुराना है और उसी को परवरदिगार ने कुरान मुकद्दस के अंदर मेंशन किया है। और ये बात याद रखें, जो कुछ रब ने फरमा दिया वो हक है। कुरान से बेहतर और सच्ची किताब कोई दूसरी हो ही नहीं सकती। हमारा रब भी सच्चा, उसके रसूल भी सच्चे और उसकी किताब भी सच्ची। और अल्लाह की किताब और अल्लाह की बात से सच्ची बात किसकी हो सकती है। वमन अस्दक मिन अल्लाह कीला, सबसे सच्ची बात अगर किसी की है तो वो अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला जलालहू की।
और यही वजह है कि कुरान का चैलेंज कल भी था और आज भी है। दुनिया हजार तरक्की कर ले, कुरान की एक आयत जैसी आयत पेश करने की ताकत उसमें न कल थी न आज है न कयामत तक रहेगी, इसलिए कि ये अल्लाह की किताब है। हमारा हाल ये है, बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों का अगर आप सर्वे करें तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि कुरान मुकद्दस की 10, 12 या 15 आयतों से ज्यादा आयतों पर 99% पूरी दुनिया का मुसलमान अमल करता दिखाई नहीं देता। नमाज, रोजा, हज, जकात, तलाक, विरासत, बस इन चीजों के मसाइल के हवाले से मुसलमान कुरान से सबक हासिल करता है और इससे मुतालिक आयतों पर अमल करता है। बाकी तकरीबन आयतों को मुसलमान ने यह समझा कि माद अल्लाह इस पर अमल करने की जरूरत नहीं। लेकिन आज जब हालात बद से बदतर हो रहे हैं तो कुरान बताता है कि ऐसी सूरत में तुम्हें क्या करना चाहिए, इसमें कुरान रहनुमाई करता है। तो यह ना समझा जाए कि ये कुरान मस्जिद और खाने काबा तक की रहनुमाई करता है, बल्कि कयामत तक आने वाले जितने भी आपके मसाइल हैं हर मसले के सिलसिले में अगर आपको रहनुमाई चाहिए तो अल्लाह की किताब की तरफ तवज्जो दो, वो आपकी रहनुमाई करेगी। अब देखिए जिस आयत की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया उसका मफहूम मैं आपके सामने पेश करूं, लेकिन एक तवक्को मैं आपसे रखूंगा कि जो कुछ मैं आपके गोश गुजार करने की सआदत हासिल करूं इसे आज के दौर का सबसे बड़ा हल कुरान की रोशनी में तसव्वुर इस एतबार से करें और यकीन इस एतबार से करें कि इंशाअल्लाह उस पर हमें अमल करना है। आप चाहते हैं ना परेशानी का नजात हो, परेशानी से नजात हो, तो आपको जो कुरान का दस्तूर है मैं अता करूं उस पर आप अमल करें। देखिए परवरदिगार ने फरमाया लतुबलवुन्ना फी अम्वालिकुम व अनफुसिकुम, तुम जरूर जरूर आजमाए जाओगे माल में और जान में। यह कुरान का फैसला हो गया। अगर कोई बंदा यह तसव्वुर करे कि मेरी आजमाइश नहीं होगी तो ये ख्वाब वाली बात हो सकती, हकीकत नहीं। इसलिए कि कुरान ने लाम और नून सकीला के साथ फरमाया लतुबलवुन्ना फी अमवालिकुम व अनफुसिकुम, जरूर जरूर तुम आजमाए जाओगे माल में और जान में। और फिर आगे फरमाया وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا, और जरूर जरूर तुम सुनोगे अहले किताब और अहले शिर्क से ऐसी बातें सुनोगे जो तुम्हारे दिल को अजियत पहुंचाए। ये कुरान कह रहा है ऐसी बातें अहले किताब से सुनोगे और अहले शिर्क से सुनोगे जिससे तुम्हारे दिल को अजियत पहुंचेगी। माल का इम्तिहान, जान में इम्तिहान, और ऐसी बातों का अहले किताब और अहले शिर्क से सुनना ये कुरान की रोशनी में यकीनी है। अब जब ऐसी बातें सुनो जो तुम्हारे दिल को छलनी कर दे, तुम्हें घबराहट का शिकार कर दे, बेचैनी में गिरफ्तार कर दे, तुम्हारी रात की नींदें उड़ा दे, और माल में तुमको परेशानी हो, जान में तुमको परेशानी हो, तो अब कुरान दो नुस्खे अता करता है और कहता है वइन तस्बिरू
وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو یہ بہت ہی ہمت والا کام ہے. قرآن دستور دے رہا ہے, قرآن قانون عطا کر رہا ہے کہ جب کبھی ایسی باتیں تمہارے کانوں سے ٹکرائیں تو تمہارے پائے سے بات میں لغزش نہیں آنی چاہیے, بلکہ تمہارا معاملہ یہ ہو کہ اپنے دین پر جمے رہو. صبر کے معنی صرف یہ نہیں ہوتا کہ کسی کا انتقال ہو جائے اور کہا جائے صبر کرو, کوئی بچہ گم جائے تو صبر کرو, صرف صبر کا یہی معنی نہیں ہوتا. صبر کے معنی ہوتا ہے جم جانے کے, اپنے دین پر جم جاؤ اور اللہ سے ڈرو, اللہ تمہاری پریشانیوں کو دور فرما دے گا. یہ دو نسخے قرآن عطا کر رہا ہے. اور یہ ہر کسی کے بس کی بات بھی نہیں ہے کہ صبر کر لے, ہر کسی کے بس کی بات بھی نہیں ہے کہ پکا متقی بھی بن جائے. لیکن اس راہ میں آدمی پیش رفت تو کر سکتا ہے, قدم تو بڑھا سکتا ہے. تو جب اچھوں کی راہ پر چلے گا اور دامن صبر کو جب تھامے گا تو میرا کریم اس بندے کو تنہا نہیں چھوڑے گا, بلکہ قرآن کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین, کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. مجھ جیسا ناقص قرآن کا مطالعہ کرنے والا جب حالات سے متعلق قرآنی آیتوں کا مطالعہ کرتا ہے تو ایک نہیں کئی آیتوں کے اندر موجودہ دور کے علاج کے سلسلے میں خدا کی قسم دو ہی نسخے نظر آتے ہیں, صبر اور تقوی. اور ان دو چیزوں کو ایک جگہ پروردگار نے صرف قرآن میں جمع نہیں کیا, دونوں کا الگ الگ ذکر بھی موجود ہے اور دونوں کا ایک ساتھ میں بھی ذکر موجود ہے. لیکن جہاں جہاں صبر اور تقوی دونوں کا ذکر ساتھ میں ہے وہ کوئی اور زمانہ نظر نہیں آتا, وہ آج ہی کے ماحول کے حوالے سے رہنمائی نظر آتی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, تھوڑا سا صبر کو سمجھو, پھر تھوڑا سا تقوی کو سمجھو, اور پھر مزید میں کچھ آیتیں آپ کے گوش گزار کروں تاکہ آج کے دور کے اعتبار سے جب آپ قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہو تو اس کتاب کو ماننے کے ساتھ اس کی آیتوں پر عمل کا جذبہ بھی اپنے اندر پیدا کرو, اللہ راحت کی دولت عطا فرمائے گا. صبر علی الطاعہ, صبر کی تین قسمیں ہیں. پہلی قسم صبر علی الطاعہ, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر صبر کرنا. صبر کے معنی پہلے سمجھ لیں, صبر کے معنی ہوتا ہے جم جانا, اسی لیے پہلوان کو بھی صبور کہا جاتا ہے کہ وہ جو جگہ پکڑ لیتا ہے وہ پہلوان پھر اپنی جگہ چھوڑتا نہیں ہے, اسی لیے اسے صبور کہا جاتا ہے. تو صبر کے معنی ہوتا ہے جم جانے کے. تو اللہ کی اطاعت کے سلسلے میں صبر کرنا, یعنی آپ صرف اتنا سوچیں, پانچ وقت کی نماز ہی کو لے لیجئے. آپ کھا رہے ہیں, اذان ہوئی, بس آپ نے کام کھانا چھوڑ دیا, نماز کے لیے چلے گئے, نیند لگی ہے, فجر کی اذان کی آواز آئی, چاہتے ہیں سویا رہوں لیکن اللہ کی اطاعت پر آپ جمے ہوئے ہیں تو نیند چھوڑ دی, سیدھے مصلے پر چلے گئے. آپ ذرا سوچیں, دن میں پانچ مرتبہ سارے کام چھوڑ کر مصروفیت میں لگے رہنے کے بعد, سارے کاموں کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کے لیے دن میں پانچ مرتبہ جانا, یہ معمولی کام تو نہیں ہے, بہت مشکل والا کام ہے. لیکن جب کوئی بندہ جم جاتا ہے اس کام پر, اور جب کوئی بندہ اس چیز کے سلسلے میں اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے
तो फिर उसके लिए ये मुश्किल काम नहीं होता, उसके लिए अल्लाह आसान कर दिया करता है। इसी तरीके से माह रमजान को ले लीजिए, भूख लगी रहती है लेकिन एक महीने तक बंदा अपने आप को सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक तीन चीजों से रोक रहा है, ये सब्र है। और इसीलिए रमजान का महीना है, उसका नाम भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाहरुल सब्र भी फरमाया कि ये सब्र का महीना है। तो ये भी अल्लाह की इताअत पर सब्र है कि बंदा सब्र कर, भूख लगी है लेकिन सब्र कर रहा है, नहीं मेरा रब नाराज हो जाएगा, मैं उसकी फरमा बरदारी करूं। हज के लिए जाता है अल्लाह की तौफीक से, तो जो कुछ कवानीन हैं, जो कुछ मसाइल हैं, जो कुछ पाबंदियां हैं, वो पांच दिनों तक जब तक अहराम में रहता है उन पाबंदियों को बजा लाता है, वो भी एक किस्म का सब्र है। लेकिन ये चंद चीजों पर ही सब्र पर इक्तफा नहीं करना, बल्कि जो जो अल्लाह का हुक्म मिले और जो जो अल्लाह के रसूल का हुक्म मिले उस हुक्म पर अमल करने में तुम जम जाओ, और ये सोचो ये किसी और का नहीं पालनहारे हकीकी का हुक्म है, हमें इसकी इताअत करनी है, फरमा बरदारी करनी है। तो अगर कोई शख्स अल्लाह अज़्ज़ वजल और उसके रसूल की इताअत को अपने ऊपर लाजिम कर ले और इताअत करता है तो ये सब्र अलत्ता के जुमरे के अंदर शामिल होगा। और ऐसे बंदे को भी कुरान मुकद्दस और अहादीस की रोशनी में साबिर कहा जाएगा, साबिर कहा जाएगा। दूसरी किस्म है सब्र अनिल मासिया, गुनाहों से सब्र बचना, गुनाहों से बचने में अपने आप को मजबूत रखना कि मैं ये गुनाह नहीं करूंगा, रब ने मना फरमा दिया मैं ये गुनाह नहीं करूंगा। मिसाल के तौर पर मैं दो तीन चीजें आपके सामने अर्ज करूं। कुरान ने कह दिया वजतनिबू कौलज़्ज़ूर, झूठ से परहेज करो, ये मौला का हुक्म है, झूठ गुनाह है, मैं गुनाह से बचूंगा। आपने उस गुनाह से अपने आप को रोक लिया, अल्लाह आपको साबिरों के अंदर शुमार फरमा देगा। तो गुनाहों से अपने आप को रोकना ये भी सब्र है। बुराइयों से अपने आप को रोकना ये भी सब्र है। और तीसरा जो सब्र का मामला है वो इस्तकामत फिद दीन के मामले में है कि दीन पर जमे रहना, और हजार हाथ तकालीफ की वादियां आ जाएं, न दामने मुस्तफा छोड़ना न दामने दीन छोड़ना, अपने दीन पर मजबूती से कायम रहना, अपने अकीदे पर मजबूती से कायम रहना, ये भी सब्र की एक किस्म है। और ऐसा बंदा तन्हा नहीं होता, अल्लाह की रहमत उस बंदे के साथ हुआ करती है। आप ये ना सोचें कि छोटी मोटी आजमाइश होती है इन तीन चीजों के सिलसिले में, इतना सख्त इम्तिहान होता है, आप और हम तो कुछ भी नहीं है, आपकी और हमारी हैसियत भी कुछ नहीं है। रसूलों की शान देखो कि उनका इम्तिहान किस तरीके से हुआ, इतना सख्त इम्तिहान कि जब वो खुद दीन से न हिले और अल्लाह के आकाम और फरमान को पहुंचाने में अपनी जगह पर डटे रहे और वो उस पर जम गए, तो आप जानते हैं जब वो न हिले तो उनके नीचे की जमीन हिला दी गई कि अब तो ये हिलेंगे। लेकिन कुर्बान जाइए, कुरान कहते हैं वज़ुलज़िलू हत्ता यकूल अर्रसूल वल्लज़ीना आमनू माअहू मता नसरुल्लाह, इतना सख्त इम्तिहान हुआ रसूलों का कि जमीन हिला दी गई और रसूल और उनके साथ जो थे उन्होंने कहा अल्लाह की मदद कब आएगी, बस मेरे करीम ने फरमा दिया अला इन्न नसरल्लाह करीब, आगाह हो जाओ कि बेशक अल्लाह की मदद करीब है।
तो इम्तिहान बड़ा सख्त होता है। लेकिन मेरे करीम की अजमतों पर कुर्बान जाइए, उसने इम्तिहान कैसा होगा वो भी बता दिया और इम्तिहान का इलाज भी मेरे करीम ने बता दिया कि जब इम्तिहान हो तो ऐसा करो। तो बहुत सख्त इम्तिहान जो है वो हुआ है और बहुत सख्त इम्तिहान माल और जान के सिलसिले में अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू लेगा। ऐसी सिचुएशन के अंदर सब्र के दामन को थामे रखने का हुक्म अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने अता फरमाया। अब सब्र को थोड़ा सा मजीद समझें आप, कितना ही बड़ा पहलवान क्यों ना हो, उसका भी जब इम्तिहान होता है तो उसके लिए भी कुदरत का हुक्म सब्र का है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को परवरदिगार ने कई पहलवानों की ताकत से ज्यादा ताकत अल्लाह ने अता फरमाई, इतने ताकतवर रुकाना पहलवान को हुजूर ने गिरा दिया, इतने ताकतवर रसूल कि जमीन से इशारा करे तो चांद के दो टुकड़े हो जाएं, इतने ताकतवर रसूल कि इशारा फरमाए तो डूबा हुआ सूरज पलट आए, इतने ताकतवर रसूल के इशारा फरमाए तो दरख्त अपनी जगह से झूमता हुआ बारगाह रसूल में आ जाए। इतने ताकतवर रसूल होकर के भी परवरदिगार ने इम्तिहान के जमाने में हुजूर से क्या फरमाया, वस्बिर कमा सबर उलुल अज़्म मिनर रसूल। बहुत अहम नुक्ता अर्ज करने जा रहा हूं, इसलिए कि हो सकता है कल कुछ आपका आपको मिसगाइड करने की भी कुछ लोग कोशिश करें जिनकी समझ में बात नहीं आई होगी। सरकार ताकतवर थे फिर भी मुसीबत के मौके पर हुजूर से कहा गया वस्बिर कमा सबर उलुल अज़्म मिनर रसूल। यहां से पता चला सब्र बुजदिली का नाम नहीं, सब्र ताकत का नाम है। अगर बुजदिली का नाम होता तो इतने बड़े ताकतवर को सब्र का हुक्म न दिया जाता, और सब्र करने वाला कितना ताकतवर होता है यह मुझसे मत पूछो, कुरान से पूछो। कुरान कहता है इन यकुम मिनकुम इश्रून साबिरून यगलिबु मियतैन, अगर तुम में 20 सब्र करने वाले हो तो वो 200 पर गालिब आ जाएंगे। ये कुरान का फैसला है, ये अहकमुल हाकिमीन का फैसला है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तीनों चीजों को ज़हन में रखिएगा सब्र के मामले के अंदर, जम जाओ अल्लाह की फरमाबरदारी के अंदर। जो भी हुक्म खुदा हुक्म रसूल कानों से टकराए उस पर अमल करने के लिए तैयार हो जाओ। जिन गुनाहों के हवाले से अल्लाह और उसके रसूल की वईदें सुनो उन गुनाहों से रिश्ते को तोड़ दो और दीन के सिलसिले में जमे रहो कि जिएंगे तो इस्लाम पर और मरेंगे तो इस्लाम पर। इस नीयत के साथ अपने दीन पर जमे रहो। अब अगर कोई शख्स सब्र इख्तियार करे तो क्या होगा, तकवा इख्तियार करे तो क्या होगा, तो कुर्बान जाइए खुदा की कसम मेरे करीम ने ऐसा फैसला सुना दिया कि आप और हम अगर इन दो चीजों पर अमल पैरा हो जाएं तो सारा प्रॉब्लम ही हल हो जाएगा। मेरा रब फरमाता है अल्लाह अकबर इन तस्बिरु व तत्तकु ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैआ इन्नल्लाह बिमा यअमलून मुहीत। अगर तुम सब्र इख्तियार करो और तकवा इख्तियार करो तो किसी का दाव तुम पर चलेगा ही नहीं। और कुरान कहता है अल्लाह अकबर कि उनके सारे कामों को अल्लाह ने घेर करके रखा है। किसी का मकर उस वक्त नहीं चलता जब सब्र का दामन थाम लिया जाए। क्या गरीब नवाज पर मकर नहीं चलाया गया था, लेकिन साबिर थे न चल सका, मुत्तकी थे न चल सका। तकसीम हिंद के मौके पर बरेली की धरती पर मोहल्ला सौदागरान के अंदर
सब मोहल्ला छोड़कर चले गए, तन्हा मुफ्ती आजम रह गए। इलाका न छोड़ा, मोहल्ला न छोड़ा, अकेले वहां पर रहे। मैं गौर करता रहा, या अल्लाह ये मर्द कलंदर तन्हा मोहल्ला सौदागरान में कैसे रहे? तो कुरान की ये आयत जवाब देती है, किसी का मकर इन पर कैसे चल सकता है? ये आम इंसान नहीं, ये साबिर भी है और मुत्तकी भी है, इसलिए किसी का मकर इन पर नहीं चल सकता। ये दो चीजें अता फरमाई है कुरान, ये हल है आज के दौर का। रात भर गंदी पिक्चरें देखो और कहो मुसीबत ना आए, नमाजें कजा करते रहो और सोचो परेशानी ना आए, अल्लाह की नाफरमानी में जिंदगी गुजारते रहो, सूद का कारोबार करते रहो, हराम कारियां करते रहो और सोचो कि कोई मुसीबत ना आए, गैरों का मकर हम पर ना चले, हम मुसलमान हैं। तो कुरान ने तो बता दिया, तुम चाहते हो कि किसी का दाव तुम पर ना चले, ये दोनों चीजें अपना लो, इसलिए कि कोई मिनिस्टर वादा करेगा उसका वादा, वो वादा खिलाफी भी कर सकता है। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मीआद, मेरा मौला वादा खिलाफी नहीं फरमाता, वो जो कह देता है वो हक है, वो हक है। ये दो कानून कुरान के अंदर गर्दिश कर रहे हैं, ये दो सिफात पूरे कुरान में गर्दिश कर रही। और मैंने जब पढ़ा कुरान मुकद्दस को, तो साबिरीन के साथ भी अल्लाह है और मुत्तकीन के साथ भी अल्लाह है। इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन जहां आया वहां ये भी आया, इन्नल्लाहा मअल्लदीना तक़ौ वल्लदीना हुम मुहसिनून। बेशक अल्लाह मुत्तकीन के साथ है और भलाई करने वालों के साथ है। एक बुजुर्ग ऐसे ही हालात जो आज पूरी दुनिया में मुसलमानों के हैं, इन हालात को देखकर थोड़े से गमजदा हो गए थे और सोचते थे मैं क्या करूं। कुरान पढ़ रहे थे, कुरान पढ़ते पढ़ते एक आयत पर नजर पड़ गई, उस आयत पर नजर पड़ी तो उस आयत को उन्होंने लिख लिया और लिखने के बाद अपनी जेब में रख दिया, और जब कभी कोई सख्त इम्तिहान आता उस आयत को निकालकर पढ़ लेते, उस आयत को निकालकर पढ़ लेते। क्या लिखा था उस आयत में? खिताब तो बज़ाहिर हुजूर को था, लेकिन हुजूर के वास्ते से फैजान पूरी उम्मत को अल्लाह अता फरमा रहा। परवरदिगार ने उस आयत करीमा में फरमाया, वस्बिर लिहुक्मि रब्बिक फइन्नक बिअय्युनिना। मेरे महबूब, अल्लाह के हुक्म पर सब्र करें, बेशक आप हमारी निगाहों में हैं, आप हमारी निगाहों में। अब जो खुदा की निगाह में हो उसका क्या कहना, जो खुदा की निगाह रहमत में हो उसका क्या कहना। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, अगर हम ये चाहते हैं कि मौला की नजर करम हम पर पड़ जाए और उसकी नजरों में हम रहे, निगाहों में रहे, तो हमें सब्र और तकवा के दामन को इख्तियार करना होगा। और कभी ऐसा भी हुआ कि इन दो चीजों के हुक्म के बाद बज़ाहिर इंसान की तादाद बड़ी कलील नजर आई, मद्द मुकाबिल लाहो लश्कर, यह सब कुछ होते हुए परवरदिगार ने इन दो सिफत की बरकतें इतनी अता फरमाई कि मैं क्या बताऊं आपको। यह गज़वे बद्र की बात है और ये आये करीमा गज़वे बद्र से मुतालिक इशारा करती है। वहां भी असहाबे बद्र से कहा गया, तुम दो चीजें इख्तियार करो, दो चीजें इख्तियार करो, और रब ने वादा फरमाया तुम्हारी मदद में 5,000 फरिश्तों के साथ करूंगा। दो सिफतें इख्तियार करो, तुम्हारी मदद 5,000 फरिश्तों के जरिए करूंगा। कुरान कहता है बला इन तस्बिरु वततकु वयातुकुम मिन फौरहिम हादा युमदिदकुम रब्बकुम बिखमसीना आलाफिम मिनल मलाइकति मुसव्विमीन औ कमा क़ाल।
بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ. ہاں ہاں اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو نشان زدہ 5000 گھوڑوں کے ذریعے اور فرشتوں کے ذریعے اللہ تمہاری مدد فرمائے گا. اور دنیا نے دیکھا کہ بدر کے میدان میں فرشتے اترے اور اصحاب بدر کی مدد فرمائی اور اللہ نے ان دو صفتوں کے ذریعے انہیں کامیابی عطا فرمائی. یہاں بھی یہ دو صفتوں کا ذکر ہے, یہی دو صفت صبر اور تقوی. کم و بیش قرآن مقدس میں 70 کے برابر 70 جگہ پر پروردگار نے صبر کا حکم فرمایا ہے اور صبر کی فضیلت بیان فرمائی. اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں, اسی طریقے سے ظاہر و باطن میں, اکیلے اور مجمع میں, کہیں بھی دنیا میں رہو, اگر کوئی بندہ اللہ سے ڈرا اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھا تو وہ بندہ گناہوں سے بچنے والا اور خود کو روکنے والا اور اللہ کا ڈر دل میں رکھنے والا بندہ کہیں بھی اکیلا نہ ہوگا, اللہ کی نصرت اس کے ساتھ ہوگی, اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی. تقوی بہت اونچی چیز کا نام ہے, اور جا بجا قرآن نے کہا فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین, ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. تو پتا چلا مومن کے دل میں سب سے زیادہ ڈر اگر کسی کا ہوتا ہے تو وہ اللہ کا ہوتا ہے. لیکن آج مومن کی پوزیشن نام نہاد تو ہم مومن اپنے آپ کو کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, لیکن ذرا یہ بھی تو دیکھیں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, کیا ہم صحیح معنوں میں مومن ہیں, کامل مومن ہیں؟ اگر کامل مومن ہو تو قرآن نے دوسری جگہ وعدہ فرمایا ہے اللہ نے کہ میرے بندے تو گھبرا نہیں, اگر تو ایمان والا ہے تو تیرا دفاع میں کروں گا, اللہ فرماتا ہے, تیری نگہبانی میں فرماؤں گا اگر تو ایمان والا ہے تو, تجھے کامیابی میں دوں گا اگر تو ایمان والا ہے تو. قرآن کہتا ہے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا, بے شک اللہ دفاع فرماتا ہے, نگہبانی فرماتا ہے اس کی جو ایمان والے ہیں, ایمان والوں کی رب مدد فرماتا ہے. اب ایمان کے حوالے سے ایک سوال پوچھ لوں اور پھر آپ اور ہم سب اس حدیث کی روشنی کے اندر اپنے آپ میں جھانک کر کے دیکھیں کہ کیا ہم کامل مومن ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے مومن بھائی کے لیے پسند نہ کرے. ہم جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کریں, اگر یہ نہیں کرتے تو قرآن کی روشنی میں, سرکار کے ارشاد کی روشنی کے اندر ہم کامل مومن نہیں ہیں. آج ہمارا حال کیا ہے, ہم اپنے لیے سب کچھ پسند کرتے ہیں ہر اچھی چیز کو لیکن بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہیں کرتے, کہاں سے ہم کامل مومن ہوں گے؟ ہم چاہتے ہیں ہمیں عزت ملے, ہمیں شہرت ملے, ہمیں دولت ملے, ہمیں مقام ملے, ہمیں مرتبہ ملے, ہمیں یہ ملے, ہمیں وہ ملے, بنگلہ ملے, گاڑی ملے, لیکن اگر کوئی بھائی ترقی کر رہا ہے ہم نہیں دیکھ سکتے اس کا بھلا, فوراً جلن اور کڑن شروع ہو جاتی ہے, فوراً دل کے اندر بغض و عناد پیدا ہو جاتا ہے, فوراً حسد پیدا ہو جاتا ہے, کہاں سے ہم کامل مومن رہے؟ کمال ایمان کہاں سے ہمیں حاصل ہوا؟ میں تو جب اس آیت مبارکہ کی تفسیر کو دیکھ رہا تھا اور پڑھ رہا تھا تو میری عقل دنگ رہ گئی. قرآن اہل کتاب اور اہل شرک کی باتوں پر صبر کا حکم دے رہا ہے کہ ان کی باتیں اگر تمہیں تکلیف پہنچاتی ہیں تو تم صبر کرو. تو میرے بھائیوں میں آپ سے پوچھتا ہوں, جب ان کی باتوں پر صبر کا حکم ہے تو اپنے بھائی سے بھی اگر کوئی تمہیں تکلیف پہنچ جائے تو صبر پہلے درجے میں کرنا چاہیے, پہلے صبر کرو. اس کو کیوں بے آپ آپے سے باہر ہو جاتے ہو؟
क्यों गली कूचों में लड़ने लग जाते हो, क्यों आपस में दस्तों गिरेबां हो रहे हो, क्यों खुरेजी पर आमादा हो रहे हो? सुन लो, माफ करना किसी को यह छोटा काम नहीं है, और सब्र करना यह भी छोटा काम नहीं। कुरान कहता है वलमन सबरा व गफरा इन ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, जो माफ की, जिसने माफ किया और जिसने सब्र किया, यह मामूली काम उसका नहीं है, यह बहुत हिम्मत वाला काम है जो उसने अंजाम दिया है, बहुत हिम्मत वाला काम है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कभी ऐसा भी होता है किसी के जुमले दिल को छलनी कर देते हैं, किसी के जुमले दिल को अज़ियतें पहुंचाते हैं। यहां भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बे कदीर ने तालीम दी, इरशाद फरमाया अपने महबूब को तसल्ली देते हुए, मेरे महबूब अगर किसी की बात तुम्हें अज़ियत पहुंचाए तो वस्बिर अला मा यकुलून, जो वो कहते हैं उस पर सब्र करो, सब्र करो उस पर। यहां से ये बात समझ में आई कि सब्र करके इंसान वो मकाम पा लेता है जो सामने वाले को अज़ियत पहुंचाकर मकाम हासिल नहीं कर सकता। और सुन लो, सब्र का नतीजा इतना अजीम है, इतना अजीम है कि बहुत सारे मकामात इंसान को नमाज से नहीं मिल पाते, रोजे से नहीं मिल पाते, हज से नहीं मिल पाते, ज़कात से नहीं मिल पाते, लेकिन परवरदिगार सब्र के एवज के अंदर वो मकाम अता कर देता है। कुरान कहता है वमा युलक्काहा इल्ला लदीना सबरू वमा युलक्काहा इल्ला दु हज्जिन अज़ीम, के बहुत सारे मकाम को वो बंदा पा लेता है जिसने सब्र किया, और वो मकाम को पा लेता है जो किस्मत का धनी है। तो सब्र इतनी ताकतवर चीज है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह से डरना किसे कहते हैं? सब्र के साथ तकवा की बात आई। अल्लाह से डरना किसे कहते हैं? तो यहां ये बात भी जहन में रखें कि डरने के तीन तरीके हैं। शायद इससे पहले मैंने आपके सामने अर्ज किया हो या न किया हो, आज अगर कर दिया होगा तो फिर अर्ज कर देता हूं। एक तो यह है कि आपके दिल में गुनाह का जज्बा पैदा हुआ, आप गुनाह करना चाहते हैं लेकिन आपके पास इतना पैसा नहीं कि उन पैसों के बलबूते पर गुनाह के अड्डों पर जा करके आप गुनाह करें, तो आप गुनाह से अपने आप को रोक लिया, पैसा ही नहीं तो क्या जाके गुनाह करूंगा, गुनाह से बच गए। इस पर अल्लाह सवाब तो अता फरमाएगा लेकिन मुत्तकी नहीं कहलाएंगे आप, मुत्तकी नहीं कहलाएंगे। अब पैसा भी है आपके पास, गुनाह का जज्बा भी है, लेकिन आपके बदन में इतनी ताकत नहीं कि आप चल करके गुनाह कर सके। जैसे बहुत सारे बूढ़े होते हैं, अरमान उनके मचलते रहते हैं लेकिन ताकत नहीं होती, पैसा भी होता है, गुनाह नहीं कर पाते, मुत्तकी नहीं कहलाएंगे। उनको गुनाह से बचने पर सवाब तो मिल जाएगा लेकिन वो मुत्तकी नहीं कहलाएंगे। किसी के पास पैसा भी है, ताकत भी है, लेकिन सोसाइटी में बड़ा नाम है उसका, बड़ी इज्जत है, तो सोचता है कि मैं गुनाह करूंगा तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, इस वजह से वो गुनाह से बचता है। तो इस बचने पर सवाब तो मिलेगा लेकिन मुत्तकी नहीं कहलाएगा। अब मुत्तकी किसे कहते हैं समझ लो, ताकत भी है, पैसा भी है, गुनाह का सामान भी है, गुनाह करते कोई देखने वाला भी नहीं है, लेकिन बंदा सिर्फ गुनाह से इसलिए बच रहा है कि मेरा मौला देख रहा है। जब कोई बंदा इस तरह से अपने आप को गुनाह से रोक ले, खुदा की कसम वो तन्हा नहीं होता, अल्लाह की नुसरत उसके साथ हुआ करती है, और फिर मेरा मौला उसे इज्जत अता करता है, उसे सरबुलंदी अता करता है।
उसे कामयाबी और कामरानी अता करता है और उसे औजे सुरैया तक पहुंचा देता है। ऐ रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो आज के इस ऊपरवर सुन्नी इज्तिमा के अंदर दो सबक सबसे पहले सीख करके जाना है। आप अगर सोचते होंगे कि अब क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, नर्सों क्या होगा, हालात क्या बनेंगे, तो मैं कुरान की पाकीजा तालीमात आप तक पहुंचा रहा हूं। सब्र का दामन थाम लो, तकवा का दामन थाम लो, किसी का दाव तुम पर चलेगा ही नहीं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरे रब का फरमान कह रहा है, ये माबूद बरहक का इरशाद कह रहा है। और जिस मजहब की पोजीशन ये हो कि जो मजहब अपने मानने वालों को इतनी सब्र की ताकीद कर रहा हो, वो मजहब दहशतगर्दी की तालीम देगा कैसे? ये तो जा बजा सब्र की तालीम दे रहा है, ये जा बजा इस्तेकामत फिद दीन की तालीम दे रहा है। तो ऐ रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह की इबादत के सिलसिले में खुद को साबिर बना दो। और सब्र के इमाम इमाम हुसैन को देख लीजिए आप, कितना सब्र, हिलाने की कोशिश की गई, 22,000 के लश्कर को लाकर हिलाने की कोशिश की गई कि अब तो सजदा छोड़ दो, लेकिन कुर्बान जाइए, कहा सब कुछ हो सकता है, मौला का फरमान हक है, सब्र का दामन नहीं छोड़ूंगा, सजदे पर कायम रहकर बता दूंगा मैं इबादत में भी साबिर हूं और इमामुस साबिरीन हूं। बातिल के हाथ में हाथ न देकर बता दिया कि मैं किसी से डरने वाला नहीं, अल्लाह से डरने वाला हूं, इमामुल मुत्तकीन भी हूं मैं। और फिर डिमांड यही थी ना, हाथ में हाथ दे दो, एक ही तो डिमांड थी, लेकिन दीन पर कायम रहे कि कुरान ने कहा वला तरकनु इलल लदीना ज़लमू फतमसकुमुन नार, जालिम के सामने मत झुकना वरना आग छुएगी। इमाम हुसैन ने जान देना तो पसंद कर लिया, जालिम के सामने न झुके, तो फिर क्या हुआ? तो आज ये हुआ, यजीद का नाम रखने वाला कोई नहीं और हर गली में हुसैन के नाम रखने वाले सैकड़ों गुलाम हुसैन मिले। तो ऐ रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, दामने सब्र को थामो, सब्र बुज़दिल नहीं करता, सब्र ताकतवर बना देता है, सब्र ताकतवर बनाता है। तो आज के इस रूपरवर सुन्नी इज्तिमा में कुरान मुकद्दस की रोशनी में सब्र और तकवा को इख्तियार करने की मैं आपको तालीम दे रहा हूं, और मैं गुजारिश करता हूं कि इन दो चीजों को इख्तियार अपनी जिंदगी में करो। आज जब यहां से उठ करके जाओ तो उठने से पहले जहन बना लो, और वो जहन क्या बनाओगे? हम खुद को गुनाह से रोकेंगे। जहन क्या बनाओगे? हम रब की बंदगी में सुस्ती नहीं करेंगे। जहन क्या बनाओगे? हम दीन पर साबित कदम रहेंगे। इन तीन चीजों को इख्तियार करने का जज्बा अपने दिल से लेकर के यहां से उठो और आज से ही इस पर कमर बस्ता हो जाओ। इंशाअल्लाहुल अजीम सहाबा के सदके में अल्लाह इस उम्मत पर भी करम की नजर फरमा देगा। अब चूंकि आप जानते हैं कि वादी नूर का जो इज्तिमा सालाना होता है वो इस साल यानी गुज़िश्ता साल कई वजूहात की बुनियाद पर कैंसिल किया गया, लेकिन वादी नूर में मेरी आदत रही है मैं कुछ काम साल भर के लिए इज्तिमा के शुरका को अता कर देता हूं कि साल भर इसकी प्रैक्टिस करो। तो आज भी मैं चाहता हूं कि कुछ काम इस इज्तिमा के अंदर मैं आपको साल भर के लिए करने के लिए दे दूं। हमेशा करें तो क्या कहना कि हुजूर ने हमेशा के लिए ही फरमाया है,
लेकिन अगर आप इस चीज़ के आदि बन गए तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीम परवरदिगार इसकी बरकतें दुनिया और आखिरत दोनों में अता फरमाएगा। पहली चीज़ इस्तिग़फ़ार की कसरत, उठते बैठते चलते फिरते अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 अस्तग़फ़िरुल्लाह, वुज़ू बेवुज़ू अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 ये पढ़ते रहो। इसका फ़ायदा क्या है? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन लज़िमल इस्तिग़फ़ार, जो इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ ले, अल्लाह उसके काम को आसान कर देता है, उसकी मुसीबत को दूर कर देता है और ऐसी जगह से रोज़ी अता फरमाता है जहां उसका गुमान भी नहीं पहुंचता। और मैं समझता हूं बहुत सारे काम अटके हुए हैं, इसे पढ़ लो, दामन पर गुनाहों के धब्बे लगे हैं, इसे पढ़ लो, और परवरदिगार की बारगाह से उम्मीद है कि इसको पढ़ने के एवज़ के अंदर गैब से रोज़ी भी अता फरमाएगा। दूसरी जो सबसे बड़ी गलती हुजूर की तालीमात पर अमल न करके हुई है, जिसका नुकसान आज पूरी दुनिया का मुसलमान भुगत रहा है, एक हदीस को जहन से ओझल कर देना या जहन से निकाल देना जिसकी वजह से, वो क्या है? तो आकाए करीम रऊफ़ रहीम अलैहि तहियतु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि मरने वाला जब मर जाता है तो उसके आमाल मुनक़ता हो जाते हैं सिवाय तीन चीज़ों के। नंबर एक सदक़े जारिया, नंबर दो वो इल्म जिससे लोग नफ़ा उठाएं, और नंबर तीन नेक औलाद। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को सोशल एक्टिविटीज़, एजुकेशन और आने वाली नस्लों के अंदर सालेहियत को पहुंचाने के लिए सरकार ने कितना मजबूत दस्तूर अता फरमाया कि मरने वाला मरने से पहले ये तीन काम करके मरे, यानी कोई सदक़े जारिया का कुआं खुदवा दिया, मुसाफिर खाना बना दिया, कहीं पानी के नल लगवा दिए, कहीं दरख्त लगा दिया, ये सदक़े जारिया का काम करे। मरने वाला मरने से पहले अगर ये काम करके मरता है तो मर जाएगा तो नेक काम, बाद में मरने के कोई भी काम वो नहीं कर सकेगा, लेकिन मर करके कब्र में आराम कर रहा होगा और इसके सदक़े जारिया से जो भी फायदा उठाते होंगे उसका सवाब अल्लाह उसे कब्र में अता फरमाएगा। मुसलमानों, जब हमने ये काम न किया तो आज न मुसाफिर खाने हमारे हैं, हमारे बच्चे अगर किसी शहर में पढ़ने जाते हैं तो बेचारे किसी और की हॉस्टल में रहते हैं, कहीं होटल में रहते हैं, कहीं किराए का मकान लेकर के रहते हैं। अगर हमने हर शहर में कई मुसाफिर खाने बना दिए होते तो तिजारत के लिए जाने वालों के साथ साथ पढ़ने जाने वाले बच्चों के जाने वालों के लिए भी ये सारा इंतज़ाम होता और फिर नस्लों तक ये सिलसिला जारी और सारी रहता, और जब तक बच्चा पढ़ करके फ़ायदा हासिल करता या क़याम करने वाला वहाँ क़याम करके राहत महसूस करता, सबको बनाने वाले को अल्लाह सवाब अता फरमाता। लेकिन हमने ये कोई काम नहीं किया, हम तो ये सोचेंगे जमीन में ही सारा फायदा उठा लो, जमीन के ऊपर के लिए करो सारा काम, यहीं के लिए, मरने के बाद के लिए कुछ भी नहीं। आपने अगर हॉस्पिटल बनवा लिए होते, मरीज वहां पहुंचते, उनका इलाज होता, सवाब मिलता, लेकिन ये जो काम करने के थे सोशल एक्टिविटीज़ की, ज़िंदगी बखैर रही। तो कभी मैं आपको बताऊंगा कि कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर सोशल एक्टिविटीज़, ये जो फलाही काम जो होते हैं, इसकी अहमियत क्या है, तो आपको पता चलेगा कि समाजी बहबूद का काम कुरान और हदीस में कितनी अहमियत रखता है और सहाबा इस सिलसिले में कितने चाको चौबंद थे। लेकिन हमने फरामोश कर गए, हमने तो मगरिब की सिर्फ एक चीज थोड़ी कबूल की है, सारी मगरिब की बुराइयां हमने कबूल कर ली। मगरिब की बुराइयों में एक बुराई यह भी है, खुद गर्ज बन जाना, सेल्फिश बन जाना, सिर्फ अपनी फिक्र करना,
आज मुसलमानों के अंदर ये आदत आ गई है, मुसलमान खुद गर्द हो चुका, कौम मिल्लत किसी के बारे में नहीं सोचता, सोचता है इल्ला माशाअल्लाह तो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। तो मरने से पहले कोशिश करो, कुछ नहीं कर सकते एक दरख्त ही लगा दो, कुछ नहीं कर सकते कहीं सबील ही लगा दो, कुछ अच्छा काम कर जाओ, कोई सदका जारिया का काम कर जाओ। दूसरी चीज, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म जिससे लोग नफा हासिल करें। आप में का हर शख्स अपने कंधे पर यह जिम्मेदारी ले ले कि मैं कुछ बच्चों की तालीम, कुछ बच्चों के एजुकेशन और जहां जहां एजुकेशन के लिए जो जरूरत होगी मैं अपने पाकीजा सरमाए में वहां खर्च करूंगा। खुदा की कसम, जब तक लोग उस इल्म से इस्तेफादा करेंगे आपके मरने के बाद वही इल्म आपके सवाब का जरिया बन जाएगा। यह काम भी मुसलमानों ने नहीं किया इल्ला माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह यहां खतीब साहब अपने लेवल पर काम कर रहे हैं, कुछ लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इतने बड़े अहले सुन्नत व जमात के शहर के अंदर जिस तरीके का तालीमी काम होना चाहिए उस तरीके का सही मानों में काम नहीं हुआ। अगर हर मरने वाला मरने से पहले यह मिजाज बना लेता कि मैं इल्म का काम करके ही मरूंगा तो हर एक स्कूल कायम करता या एक एक ग्रुप स्कूल कायम करता तो आज हमारे बच्चों में इल्मी इफलास हमारे बच्चों का न होता, बल्कि आज हमारा हर बच्चा इल्म के जेवर से आरास्ता होता और मोहब्बत रसूल की दौलत से आरास्ता होता। और तीसरी चीज, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई नेक औलाद, अपनी औलाद के लिए टाइम निकालो, अपनी औलाद की नोक पलक दुरुस्त करो, उसको उनको समझाने की कोशिश करो, उनमें सालेहियत लाने की कोशिश करो। यह नहीं कि बच्चा डिमांड कर रहा है तो लाकर मोबाइल दे दिया, गैजेट दे दिया, ये दे दिया। बच्चों की जायज तमन्नाएं जरूर पूरी करो लेकिन बच्चे को सालेह बनाओ, इसलिए कि बच्चा अगर नेक होगा तो जब तक नेकियां करता रहेगा मरने वाला मरेगा तो उसकी नेकियों का सवाब अल्लाह उस मरने वाले को भी अता फरमाएगा। हमने इस काम की तरफ भी तवज्जो नहीं दी, तवज्जो नहीं दी हमने। हमने क्या सोचा, बच्चे के लिए माल छोड़ के जाएं, प्रॉपर्टी छोड़ करके जाएं, ये बच्चों के लिए सबसे अहम चीज है। मैं आपको बताऊं, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, औलाद के लिए माँ बाप की तरफ से सबसे बड़ा तोहफा क्या है? तो पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छे अखलाक। अगर किसी बाप ने या माँ ने अपने बच्चे को अच्छे अखलाक की तालीम दे दी तो गोया अपने बच्चे को उसने सबसे बड़ा तोहफा दे दिया। अब ये बच्चा उस माँ बाप के लिए नजात का जरिया बन जाएगा। तो चार चीजें हो गई, एक हदीस में ये तीन चीजों का जिक्र, सदका जारिया, इल्म जिससे लोग नफा उठाएं, नेक औलाद, और पहली चीज इस्तिग़फ़ार, और पांचवी सबसे अहम चीज नमाज की पाबंदी। तो आप सब जानते हो करना ही है, मैं कहूं या ना कहूं, जिन पर फर्ज है उनको नमाज पढ़ना है। पांचवी चीज, अगर आप और हम ये चाहते हैं कि अल्लाह की रहमत हम पर मुतवज्जे हो जाए, है अभी भी रहमत उसकी ना होती तो एक सांस ना ले सकते, लेकिन हम चाहते हैं कि उसको जो हमने गुनाहों से नाराज किया है उसको राजी कर लें, तो बस आज से ये अहद कर लो, ये कोशिश करो, अहद करो कि इंशाअल्लाह अज़ीम छोटे बड़े जितने भी गुनाह हैं हर गुनाह से हम खुद को इंशाअल्लाह बचाने की कोशिश करें। इधर गुनाह से बचने की कोशिश करेंगे उधर मौला की रहमत को प्यार आ जाएगा और परवरदिगार जल्ल जलालू उस गुनाह से बचने वाले बंदे के लिए मुसीबत से निकलने के रास्ते पैदा फरमा देगा और फिर वो बंदा मुसीबतों से निकलकर राहत की जिंदगी की तरफ बढ़ेगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, याद रखें
इंसान वजन के एतबार से, बदन में खून के एतबार से, या हड्डियों के एतबार से, या मसल के एतबार से बंदा ताकतवर या कमजोर नहीं होता। सुन लो और कान खोल करके सुन लो, गुनाह की वजह से इंसान बुजदिल बन जाता है और नेकियों की वजह से इंसान ताकतवर बन जाता है। औलिया इसलिए ताकतवर थे कि वो गुनाह से बचते थे और नेकियों के दामन को उन्होंने थामे रखा था। आज जरूरत इस अम्र की है कि हम नेकियों के दामन को थामें और कसरत से गुनाह से बचें। अगर नेकी कम से कम कर सकते हो तब भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, लेकिन गुनाह से ज्यादा बचें। मुझे एक बुजुर्ग की रिवायत याद आती है, अल्लाहु अकबर, इरशाद फरमाते हैं, किसी शख्स ने कहा कि हुजूर मैं तो रात को बड़े मजे से सोता हूं और दिन में अपनी जिंदगी गुजारता हूं। फरमाते हैं, हां तू उस तहज्जुद गुजार से बेहतर है जो तहज्जुद भी रात को पढ़ता हो और दिन में गुनाह भी करता हो। तेरा मामला यह है कि तू रात को मजे से सोता है और दिन में गुनाहों से बचता है, तो तेरा गुनाहों से बचना यह तहज्जुद गुजार से भी बेहतर है और अफसल है। तो नमाज भी पढ़ें और गुनाह भी करें, तहज्जुद भी पढ़ें और गुनाह भी करें, यह सारी चीजें कोई फायदा अता नहीं करती, उनसे कोई खास फायदा मैसर नहीं होता। हमें चाहिए कि हम कसरत से गुनाहों से बचें और रब को मनाने की कोशिश करें। रात की तन्हाई के अंदर अपने रब की बारगाह में गिरियोजारी करें, अपने रब से आज तक जो कुछ भी हमने अपने रब की नाफरमानियां की हैं, अपने रब की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा इस्तिग़फ़ार करके अपने रब को मनाने की कोशिश करें। आप सुन लो और अच्छी तरह से जहन में बिठा लो, खुदा की कसम इंसान को मनाना मुश्किल तो हो सकता है, रब को मनाना मुश्किल नहीं है। बहुत आसानी से मेरा रब मान जाता है, उसको मनाना बहुत आसान है। इसलिए हर रूठे हुए को मनाने की कोशिश की गई और कर रहा है इंसान। अब आज से रब को मनाने की कोशिश करो, अगर रब को मनाने की कोशिश किए और वो राजी हो गया तो ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ आज के इस इज्तिमा के शुरका से और नाज़रीन से कि इंशाअल्लाह कुरान मुकद्दस की रोशनी में अपनी ज़िंदगी को हम गुजारने की कोशिश करेंगे। अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करते हुए हम अपनी ज़िंदगी के सफ़र को आगे बढ़ाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू, आकाए करीम रऊफुर रहीम अलैहि तहियतु व तस्लीम के सदक़ो तुफ़ैल सब्र और तकवा को इख्तियार करने की तौफीक नसीब फरमाए और परवरदिगार उम्मत मुस्लिमा को अपना हल कुरान व हदीस की रोशनी में तलाश करने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। रिसालत के परवानों, हर शनिचर को बाद नमाज ईशा सुन्नी दावत इस्लामी के आलमी मरकज इस्माइल हबीब मस्जिद में सुन्नी इज्तिमा होता है, तो आप हजरात पाबंदी के साथ इसमें शिरकत फरमाएं। सुन्नी दावत इस्लामी की वेबसाइट सुन्नी दावत इस्लामी .net पर विजिट करें और बहुत सारी दीनी मालूमात हासिल करें।